पता है, व्हेनेवर एंजाइम विल कम इन आवर माइंड, व्हाट मींस इट मींस दे कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे कैन इंक्रीज और दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. एंजाइम्स फॉलो द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन. दे आर हीट लायबल एंड दे आर वॉटर सॉल्यूबल. दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. दे कंटेन 16% वेट एज नाइट्रोजन. द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड द सब्सट्रेट. अब बहुत ही बेसिक फिनोमिना है. एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है जहाँ पे आपका सब्सट्रेट आता है, अटैच करता है. एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. बस इस फिनोमिना के ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे. द सब्सटेंस अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड एज सब्सट्रेट एंड द एंजाइम विल कन्वर्ट द सब्सट्रेट इन टू द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट. सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम. दे आर कॉल्ड एज राइबोसाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. नॉमनक्लेचर की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजिकली सजेस्टेड द नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम. 4 digits के ऊपर इन्होंने एंजाइम क्लास का क्लासिफिकेशन दिया है. द फर्स्ट वन इज फॉर क्लास, द सेकेंड वन इज फॉर सब क्लास, द थर्ड वन इज फॉर सब सब क्लास एंड 4 digits इट विल गिव द पर्टिक्यूलर नंबर. इज इट क्लियर? AC defines the 4 digits enzyme classes. We can say it as a enzyme class. Enzyme class is classified into 6, 1 to 6. The first digit is shows the class, the second one subclass, the third one is sub sub class and the fourth one is number. Okay? The first one is oxidoreductase, the second one is transferase, the third one is hydrolase, the fourth one is lyase, the fifth one is isomerase and the last one, sixth number is ligase. Iske liye mnemonic hai, you all are aware about that. We can learn it about as a OTHLIL by the first letter of the name. O is for oxidoreductase, T is for transferase, then H is for hydrolase, L is for lyase, and the last one L is for ligase. Okay, this is the classification for enzymes. These are the basic properties of these enzymes. The first one is oxidoreductase. What will happen in this? Transfer of hydrogen and addition of oxygen. ठीक है, जितने भी reactions आप लोग read करेंगे जिसमें भी hydrogen का transfer हो रहा है या फिर oxygen का addition हो रहा है, बस आंख बंद करके आप लोगों को oxidoreductase लिख देना. ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. द सेकेंड वन इज ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन इट विल कम अंडर टू द ट्रांसफरेज. एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज, ये कहाँ पढ़ा है हमने? ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम नंबर 1. ग्लूकोज से ग्लूकोसिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. द थर्ड वन इज हाइड्रोलेज. इसमें क्या होता है? क्लीव्स बॉन्ड बट एड वॉटर. अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल फिनोमिना है, हाइड्रोलेज और लाइज, इन दोनों में क्या होता है? क्लीव्स होते हैं बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोलेज के अंदर एडिशन ऑफ वॉटर विल हैपन, बट इन लाइज एडिशन ऑफ वॉटर विल नॉट हैपन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. द एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोलेज इज ट्रिप्सिन एंड द लाइज इज फॉर एल्डोलेज एटीपी सिट्रेट लाइज. दिस इज द एग्जाम्पल. द फिफ्थ वन इज आइसोमरेज. जब भी इंट्रामोलिकुलर ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती है तो वो किसके अंदर आती है? आपकी आइसोमरेज के अंदर. दे इंक्लूड रेसिमेज एंड एपिमरेज. अभी आप लोगों को सबको पता है एपिमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं. यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये एंजाइम क्या करता है? आइसोमरेज के एंजाइम के लिए दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. कहाँ पढ़ाई है हमने? इन ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम नंबर 4. ठीक है, फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है. दे कैन बी इंटरचेंज. और यहाँ पर हमें फिर किसकी नीड होती है? वी विल नीड वन को एंजाइम ऑल्सो. कौन सा को एंजाइम चाहिए होता है? विटामिन बी1 इज
विटामिन बी वन कौन सा होता है? थायमिन, वेरी गुड. द कोएंजाइम फॉर थायमिन इज, द कोएंजाइम फॉर थायमिन इज, वेरी गुड, टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट. वी विल नीड थायमिन पायरोफॉस्फेट हेयर फॉर द कोएंजाइम. ठीक है, ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज को टीपीपी की रिक्वायरमेंट होगी. आफ्टर दैट दिस एंजाइम विल एक्टिव एंड इट विल को इंटर रिलेटेड विथ वन फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट एंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. द लास्ट नंबर एंजाइम लाइगेज, इट इज अ जॉइनिंग एंजाइम. जैसे कि नाम से पता है, एटीपी डिपेंडेंट कंडेंसेशन जब भी होगा टू मॉलिक्यूल्स के इंटरलिंक, तो कौन सा एंजाइम लिंक्ड होगा आपका? लाइगेज. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लाइगेज इज एसिटाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. इज इट क्लियर? ओके. द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट, कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड दैट कंटेन रेजिड्यू दैट हेल्प द होल्ड द सबस्ट्रेट. The active enzyme is a free site that is present in an enzyme. Whenever substance will come, they will attach to the active site and it will form a complex. And after that, what will happen? The product will form and enzyme will release. Active site generally occupy less than 5% of the total surface area of enzyme. The active site has a specific shape due to territory structure of proteins because they are proteins. A change in the shape of protein affects the shape of an active site and function of an enzyme. अभी हमने कहाँ पढ़ा है? Koshland theory. ठीक है? Whenever substrate will come to the active site, there are some changes. ठीक है? Conformational changes will happen and active site and substrate. Active site will automatically changes according to the substrate and it will easily fit. Induced fit theory. ठीक है? And when it will attach to the active site, they will form a product. Active site is what takes from a cleft or a pocket, takes up the relative small part of the total volume of an enzyme. Substrate are bound to the enzyme by the weak attraction. The specificity of binding depend on the precisely defined arrangement of atoms in an active site. The active site of multimeric enzymes are located in the interface between subunits and the recruit residues from the more than one monomer. See, the active site has a two site. One is a binding site and the another one is a catalytic site. Binding site, it means it chooses the substrate and bind to the active site. This is very simple. Okay. Catalytic site, it performs the catalytic action of enzyme and after that it will perform their action. Is it clear to all of you? Say yes or no. Okay, fine. ये तो रिवीजन है, यू ऑलरेडी लर्न दिस ना, ये सब आप पढ़ चुके हैं. सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज सी, दिस इज योर एंजाइम. द साइट विच इज प्रेजेंट इन एंजाइम इज योर एक्टिव साइट एंड दिस इज सबस्ट्रेट. द कन्फर्मेशनल चेंजेस विल नॉट चेंज बिकॉज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट इज सेम एज द एक्टिव साइट. So, substrate entering active site to the enzyme. After that, what will happen? Enzyme changes the shape slightly as substrate binds and enzyme substrate complex will form. Then, product will form. It will attaches to the enzyme only and enzyme product complex will form. After that, what will happen? Products will release and active site of the enzyme will left. Okay? Coenzymes and holoenzymes, the enzymes without its non-protein moiety termed as apoenzyme and they are inactivated. Holoenzyme is an enzyme without its non-protein component. Holoenzyme is a complete protein part. Okay? Or apoenzyme kya hota hai uska? Non-protein part hota hai. Cofactors kya hota hai? Cofactor is a non-protein chemical compound that is bind to an enzyme and required to a catalytic. Types of cofactors are of two types. One is coenzyme and the second one is prosthetic group. Coenzymes, they are very important. Coenzymes पे कई बार short note आता है. Coenzymes, the non-protein component loosely bound to the apoenzymes by the non-covalent bond. The coenzyme is essential for the biologically active of enzymes. Coenzymes divided into, the first one is A group. The A group,
those taking part in reaction catalyzed by the oxido reductase by donating or accepting hydrogen atoms or electrons. अब जिन जिन केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका एनईडी एनईडीपी एसईडी एफएमएन ये जितने भी इंक्लूडेड होंगे व्हाट आर दीज दीज आर कोएंजाइम दे विल कम अंडर टू अ ग्रुप नंबर वन एंड दोज एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन ट्रांसफरिंग ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन दे विल कम अंडर टू द ग्रुप नंबर टू मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं आपके थायमिन पायरोफॉस्फेट टीपीपी पायरेडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी बायोटीन कार्बन डाइऑक्साइड कोएंजाइम ए टेट्राहाइड्रोफोलेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दीज ऑल आर कम अंडर टू द ग्रुप नंबर टू ग्रुप बी नाउ व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मिटैलो एंजाइम एज इट इज सजेस्टेड बाय द नेम और वेरी क्लियर बाय द नेम मेटल्स आर इंक्लूडेड इन दिस दे विल एक्टिव In the presence of metal, the enzymes that contain tightly bound metal ions are termed as metalloenzymes. Enzymes that require metal ions as loosely bound cofactors are termed as metal-activated enzymes. Metal ions facilitate binding and orientation of substrate, formation and covalent bond with reactions intermediate, and interact with the substrate to the render more than electrophilic and न्यूक्लियोफिलिक कौन कौन से मेटल्स हैं लाइक जिंक इट इज प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेट मैग्नीशियम और मैग्नीज हेक्सोकाइनेज कॉपर इन टायरोसिनेज एंड आयरनेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिटैलो प्रोटीन मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग थ्योरी Lowering the activation energy, enzymes increase reaction rate of decreasing the activation energy. अब हम बात करते हैं activation energy होती क्या है? It is defined the energy required to convert all molecules from the ground state to the transition state. Activation energy will high when enzyme will not there and it will low when enzyme will there. See, these are reactants. Without enzyme, the activation energy is high and with enzyme, the activation energy is low. After that, what will happen? The overall energy released during the reaction is very low and the activation energy without enzyme is high. Why so? Enzymes honge, then chemical reactions will happen, activation energy will in use and it will very low. Without enzyme, no reaction will happen, the activation energy is high. बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं बहुत सारा काम करते हैं शाम में थक जाते हैं जल्दी नींद आ जाती है एनर्जी हमारी लो हो जाती है लेकिन यही कुछ नहीं करना है बैठे हैं पूरे दिन से जैसे संडे को ही देख लो शाम में भी बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं बस एक बात का दुख होता है अगले दिन मंडे होता है ना बस तो हाई रहते हैं पूरे दिन बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं अब डेली आप लोगों का जो रूटीन है बहुत हैक्टिक रहता है आप लोग थक जाते हो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है डाउन हो जाती है So this is the best example for this. For example, activation energy for hydrolysis of sucrose is 26,000 calories per mole while the activation energy is only 9,000. ठीक है? It is hydrolyzed by the sucrase. This is the example when hydrolyzed by the sucrose and sucrase. Sucrase करेगा तो activation energy will down as compared to the sucrose. Okay. Theory. माइकेलिस मेंटन रिएक्शन ये बहुत ही फेवरेट होती है सब बच्चों की लेनर माइकेलिस एंड मॉड मेंटन पुट फॉरवर्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी द एंजाइम कंबाइंस विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स विच इमीडिएटली ब्रेक डाउन टू द एंजाइम एंड इट विल फॉर्म प्रोडक्ट जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं ए इज फॉर एंजाइम एस इज फॉर सबस्ट्रेट दे विल कंबाइन दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज Enzyme substrate complex and enzyme will release and product will form. This theory is known as Michaelis-Menten theory. The second theory is Fischer template theory. According to this theory, the active site of the unbound enzyme is complementary in shape to the substrate. You can see the substrate is same as active site. ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर
we can say like a key is fit into a particular lock as that this substrate is particular fit to the this enzyme only because the modifications and the covalent bonds are same as to the active site. ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉक एंड की थ्योरी भी कहते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, सेम दैट क्या होता है आपका, एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट होता है. दे विल कंबाइन, दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट विल फॉर्म. लेकिन कॉशलेस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है आपकी, हेयर वी कैन सी ऑल सब्सट्रेट्स आर डिफरेंट इन शेप. व्हेनेवर दे विल क्लोज टू द एंजाइम टू द एक्टिव साइट द कन्फर्मेशनल चेंज विल हैपन एंड दे विल फिट इन टू द एक्टिव साइट एंड आफ्टर दैट एंजाइम द केमिकल रिएक्शन विल हैपन. According to this theory, the enzyme changes the shape on substrate binding. The active site forms a shape complementary to the substrate only after the substrate has been bound. When a substrate approaches and binds to an enzyme, they induce a conformational change, a change analog placing a hand into a glove. Like, अब हमें पता है gloves हैं, किसी भी hand में हम लोग इसे put करेंगे, they will easily adjust in that. अभी जैसे कोई भी particular glove के अंदर काफी सारी चीजें में हम लोग यूज करते हैं इन लैब्स ऑल्सो, तो वो क्या करते हैं आपके हाथ में फिट हो जाता है. जैसे ही आप उसके अंदर अपना हाथ डालते हो आप देखते हो अरे ये तो फिट हो गया हाथ में. लाइक दैट कॉशलेंड थ्योरी विल हैपन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है, इस पे आता है आपका 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन. किस्मत खराब होती है तो, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से इसे अटेम्प्ट करते हैं. ये बहुत मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन होता है. The activity of an enzyme is affected by the following factors. बहुत easy है, enzyme concentration, substrate concentration, products of the reaction, temperature and last one is pH. Okay, these 5 factors affects the enzyme activity. You can note it down. Okay, can I change? Yes or no? Okay. Enzyme concentration. The rate of the reaction or velocity is directly proportional to the enzyme concentration. Enzyme ke concentration jitni zyada hogi, rate of reaction bhi utni zyada hogi. Basharte hamare paas substrate ki concentration bhi present honi chahiye. The accumulation of the product is an reaction causes inhibition of enzyme activity and this property is used in determining the level of a particular enzyme in plasma, serum or tissues by the end point method. जैसे कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं काइनेटिक मेथड होता है, पता है ना काइनेटिक मेथड और एंड पॉइंट मेथड क्या होते हैं. अभी आप लोगों को सेमी ऑटो एनालाइजर्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करवाए जाएंगे. द रिएक्शंस आर नोन एज ऑन बेस्ड ऑन कलरीमेट्री जो बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ पे डिपेंड करती है. वहां पे आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब क्या होता है. सी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज हाई so the velocity or the rate of reaction is also high but the substrate concentration is in also present. The substrate concentration again the same, the rate of the reaction increases, the substrate concentration increases. The maximum activity occurs when the enzyme is saturated and the curve gets flatter. The maximum velocity thus obtained is called as V maximum jo ki half of the maximum velocity ke equivalent hoti hai. The substrate concentration is known as Km, जिसे हम हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी भी कहते हैं. सी हेयर वी हैव एंजाइम, यू कैन सी इन सम एक्टिव साइट सब्सट्रेट इज अटैच. ठीक है, हर किसी पे प्रेजेंट नहीं है, कुछ एक्टिव साइट्स ऐसी भी है जो अभी ब्लैंक हैं. वेन एवर द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट इज इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन कि जितने भी आपकी एक्टिव साइट्स हैं दे विल ऑक्यूपाई एंड दे विल फॉर्म अ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब हमारे पास सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन तो एक्स्ट्रा है बट वी डू नॉट हैव अ एंजाइम. इफ वी डू नॉट हैव अ एंजाइम इट मीन्स वी डू नॉट हैव अ एक्टिव साइट, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लैटर. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. हेयर द रिएक्शन इज स्टार्टेड. व्हाट वी हैव एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग the substrate concentration. Now all active sites of an enzyme will occupy and they will form a enzyme substrate complex. After some time koi bhi changes nahi honge, fir aap kitne bhi uske andar substrate add karte raho,
क्योंकि आपके जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो क्या हैं, आपकी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका फ्लैटर्ड होगा. सी द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी, वेरी हाई. ठीक है, माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट. अकॉर्डिंग टू द माइकलिस मेंटेन थ्योरी, द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल रिएक्शन. अब ये क्या कह रहे हैं, एंजाइम और सब्सट्रेट, व्हेनेवर दे विल कॉम्प्लेक्स डाउन दे विल फॉर्म ए एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या होगा आपका, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन बी डिसोसिएट एंड इट विल फॉर्म अगेन एंजाइम एंड सब्सट्रेट इंडिविजुअल, बट वंस इट विल फॉर्म टू द प्रोडक्ट इट कैन नॉट चेंज टू द एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. सी ई एंड एस, A is for enzyme, S is for substrate. In the presence of K1 enzyme, what will happen? They will form enzyme-substrate complex. But K2 enzyme, it will happen. It will what? It will do? It will converted enzyme-substrate complex to the enzyme and substrate. But once the product will form in the presence of enzyme K3, it will not changes to the enzyme-substrate complex. Is it clear? The enzyme K1, K2 and K3. S is for substrate, S is for enzyme and K1, K2, K3 are the rate constant. If the concentration of the substrate is increased, the forward reaction K1 is increased and K3 as well as total velocity correspondingly enhanced. Km kya hai aapka? K3 plus K2 divided by K1. Kyunki K1 dependent karta hai aapka K2 aur K3 pe. Either kya hoga? वो रिवर्सिबल कंडीशन में जाएगा या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा तो कहीं जाने के चांसेस ही नहीं है. एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से या तो वापस से आपका सब्सट्रेट बनेगा या फिर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. और केएम को हम क्या कहते हैं आपका, माइकलिस कॉन्स्टेंट. द मैथमेटिकली इक्वेशन दैट डिफाइंस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन एंड द सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज माइकलिस मेंटेन रिएक्शन और इक्वेशन. What is V0? V0 is a V maximum concentration of the substrate divided by the Michaelis-Menten constant plus the substrate concentration. V0 observe the velocity at the given time S. Km is again a constant and V maximum is a maximum velocity of a saturating concentration. अब आपका V क्या है, आपका half of the maximum velocity. ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी enzymes की active sites हैं all will occupy in the half of the velocity reaction. That's why our V is directly proportional to the half of the maximum velocity. Km, what is Km and what is its significance? The Michaelis constant Km is the substrate concentration and which Vi half of the maximal velocity attainable a particular concentration of an enzyme. It is a specific, it is a constant. Km determines the affinity of an enzyme for its substrate. And the last one, Km values helps in the determining the true substrate for the enzyme. जो भी best होंगे वो enzymes जो होंगे उसमें attach करेंगे, substrate आकर उसमें attached होंगे, rest one will present over there only. The third one is effect of the concentration of product. ठीक है, it is a reversible reaction. Substrate it will be formed to the product when the equilibrium is reached as per the law of mass action, reaction rate क्या हो जाएगी आपकी, स्लो डाउन हो जाएगी. सो व्हेन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज द रिएक्शन इज स्लो स्टॉप्ड और इवन इट कैन बी रिवर्स. इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म वन एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज ब्लॉक्ड. अब जैसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, पता है क्या करता है, नाम सुना है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा है सबने, वहां पर क्या होता है आपका, एग्जैक्टली फिनाइल कीटोन यूरिया. क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एंजाइम जो है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम विल इनहिबिट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड इज इंक्रीज एंड इट विल कॉज फिनाइल कीटोन यूरिया. ठीक है, अभी आप लोग इनहिबिशन भी पढ़ेंगे. अब आपके यहाँ पर E1, E2, E3 है, अगर यहाँ पर E3 इज नॉट वर्किंग इट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, B एंड A इंक्रीज. ठीक है, If E3 enzyme is absent, C will accumulate, which in turn will inhibit the E2
consequently it in course of time the whole pathway is blocked. ठीक है, the further products will not form because the deficiency of enzyme is happen. Effect of and temperature, the velocity of enzyme reaction increase when the temperature of the medium is increased, reaches a maximum and falls. पहले क्या होगा, ग्राफ एकदम से हाई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इट विल गोज टू द डाउन. तो ये आपका कैसा ग्राफ बनता है, बेल शेप. द टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. सेम वी विल रीड इन दिस पीएच ऑल्सो, ऑप्टिमम पीएच. पहले आपका ग्राफ क्या जाता है, इंक्रीज होता है, ऑप्टिमम पीएच वी विल गेन एंड आफ्टर दैट ग्राफ विल गोज डाउन. Most human enzymes have the optimum temperature around 37 degrees Celsius. Certain bacteria living in the hot springs will have enzyme with optimum temperature is near around 100. This is the graph for temperature. Effect of pH is same as the temperature. Each enzyme has an optimum pH on both sides of which the velocity is drastically reduced. The graph will show a bell-shaped curve. अब same चीज है. जो डिफरेंट है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, यूजुअली एंजाइम्स हैव द ऑप्टिमम पीएच अराउंड 6 to 8. दिस इज फॉर न्यूट्रल एसिडिक एज वेल एज बेसिक. सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आर पेप्सिन, एसिडिक एंजाइम है, ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है इसकी, 1 to 2. एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑप्टिमम पीएच कितना होता है इसका, 9 to 10. एंड एसिड फॉस्फेटेज द पीएच इज 4 to 5. एंड दिस इज द कर्व, अगेन दिस इज अ बेल शेप कर्व. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वी कैन अटेम्प्ट, ओके फाइन.